महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर आधारित इस कार्यक्रम में मुझे अपने विचार रखने के लिए आपने आमंत्रित किया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आओ गांधी को ढूंढें। इस शीर्षक में कुछ बातें अंतर्निहित है। एक तो यह कि आज भी गांधी जी का आवश्यकता है, दूसरी यह कि आज के दौर में गहमा गहमी में गांधी जी हमसे दूर हो गए हैं या फिर वे कहीं खो गए हैं अथवा हम ही भटक गए हैं। इस शीर्षक रखने का कारण ही मैं समझता हूं यही रहा होगा। गांधी जी ने अहिंसा की बात कही, प्रेम की बात कही, स्वावलंबन की बात कही, अभी जैसे अकबर जी ने ट्रस्टीशिप की बात, ये सब मूल्य हैं जिसे जीने के लिए गांधी जी ने पूरा जीवन समर्पित किया और अपने जीवन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, प्रदेश में देखते हैं, देश में देखते हैं, देश के सीमाओं पे देखते हैं, सीमा पे पार जब देखते हैं, तो लगता है कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक है। बांग्लादेश की घटना कहें, अफगानिस्तान की घटना कहें, पाकिस्तान की घटना कहें, कुछ महीनों पहले अमेरिका की घटना कहें, या वर्तमान में हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में हो रहे घटनाओं के बारे में कहें, आज जो तनाव है वो तनाव पहले भी रहा होगा। यदि नहीं रहता तो गांधी जी ये बात कहते क्यों? उस दौर में भी वही हिंसा का दौर रहा होगा, वही वैमनस्यता, वही नफरत, और इसी कारण से गांधी जी ने सत्य की बात कही, अहिंसा की बात कही, प्रेम और भाईचारा और सहिष्णुता की बात कही। और गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अहिंसा की बात की हो, सत्य की बात कही हो, ना वो अंतिम व्यक्ति है। यदि अहिंसा की बात कहें तो भगवान बुद्ध ने अहिंसा की बात कही। यदि दूसरे के विचारों के सम्मान देने की बात यदि किसी ने कही तो भगवान महावीर ने कही। प्रेम की बात है तो भगवान कृष्ण ने इस बात कही थी। तो गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी इन सब चीजों को जिया है। कहना अलग बात है, मुख से तो लोग बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, गांव की गलियों में या शहर के चौपालों में बैठ के लोग तो अमेरिका तक के बात कर देते हैं और अमेरिका क्या स्पेस की बात करते हैं, लेकिन वक्त कितने की होती है, उनकी बातों में वजन कितना? तो सवाल इस बात का है कि गांधी के बातों में वजन क्यों और हम जो कहते हैं उसमें वजन क्यों नहीं? वही बात तो हम भी कहते हैं कि सत्य बोलो, अहिंसा के रास्ते पे चलो, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, यह बात तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन उस बात में वजन क्यों नहीं, उस बात को लोग मानते क्यों नहीं? इसलिए कि आपके आचार विचार में, आपके आचरण में, आपके जीवन में उसे आपने स्थान दिया ही नहीं। कि मुंह से कुछ बोलते हैं और करते कुछ और हैं। जब आपके कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा तो आप पे विश्वास तो उठ ही जाएगा।
कोई विश्वास नहीं करेगा। और गांधी जी ने कभी सत्य से मुख नहीं मोड़ा, अहिंसा का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, उस पे प्राण लेवा हमले एक बार नहीं आधा दर्जन बार हुए, तब भी उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया नहीं, अहिंसा के रास्ते पे चलते रहे। प्रेम की बात वो तब भी करते रहे। आज लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, कई वक्ता आते हैं कि जो दिल्ली में विभाजन के बाद दिल्ली में वो गए, लेकिन इतिहासकारों को मालूम है यदि विभाजन के बाद, देश के आज़ादी के बाद, जब नेहरू जी और तमाम नेता दिल्ली में तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, तब गांधी जी नोआखाली में दंगा पीड़ित परिवारों के बीच थे, और वहाँ बहुसंख्यक कौन था? वहाँ मुसलमान थे। अल्पसंख्यक कौन था? हिंदू थे। वहां दंगाइयों के बीच जाकर अपने आप को झोंककर उस दंगा को मिटाने की कोशिश की, और उसमें सफलता भी पाई उन्होंने। लेकिन दुष्प्रचार करने वाले तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन आज उन्हीं विचारों की आज आवश्यकता है। कहीं हिंदू अल्पसंख्यक है, कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक है, कहीं सिख अल्पसंख्यक है, कहीं ईसाई अल्पसंख्यक है। आज हम यहां बहुसंख्यक के रूप में हैं, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में है। तो हमारी दृष्टि यहां अलग और वहां अलग नहीं होनी चाहिए। यही बात अभी कछवाहा जी ने कहा, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया मौन है। आज यदि हमारी बहू बेटी के खिलाफ यदि कुछ हो जाए, हम क्या चुप रह सकते हैं? लेकिन अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? और वहां जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो पूरी दुनिया मौन क्यों है? क्या गांधी जी होते तो चुप रहते? नहीं रहते। तो यही इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए शीर्षक रखा है, आओ गांधी को ढूंढे। आज सबको ये मान के चलता है, चल रहे हैं कि मुझे क्या करना है। फलाने पे हमला हो गया तो मुझे क्या करना है, दूसरे पे हमला हो गया तब भी करें मुझे क्या करना है, और जब खुद पे हमला हो जाए तब तीसरे तुमसे जो अलग है वो कहेगा मुझे क्या करना है। आज स्थिति यही है, और गांधी जी इसीलिए आज जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम सर्वानुमति से फैसला लिए, गांधी जी के एक सूत्र ये भी था, कोई भी फैसला करो तो सर्वानुमति से। तो हम लोगों में जो सामूहिकता है, समूह में काम करने की जो बात है, समूह से निर्णय लेने की जो बात है, वो खत्म हो। भले हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन फैसला एक आदमी, बहुत हो गए दो आदमी। भाई एक कहानी है कि किसी को सहायता करने से पुण्य लाभ मिलता है। अब स्कूल में सुना था, बच्चा गुरुजी ने उसे सिखाया था कि किसी भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करो तो उसे पुण्य लाभ मिलता है। एक अंधा सड़क के किनारे खड़ा था, लड़के को सूझा कि मैं पुण्य लाभ ले लूं, मैं सड़क पार करा देता हूं। उस सूरदास के पास गए, वो बोले मुझे जाना ही नहीं, उसको पुण्य लाभ कमाना था, इसको जाना नहीं था। तो ये जबरिया का काम आजकल देखने को मिलता है।